अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ चीज़ ब्रेड वड़ा की रेसिपी, जो कि खाने में स्वादिष्ट तो है, ये बनाने में सिंपल भी है फ्रेंड्स, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए जल्दी से इसकी रेसिपी ट्राई कर लेते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, वड़े में डालने वाले इंग्रेडिएंट्स पहले बता देती हूँ। मैंने कटे हुए लहसुन और मिर्ची ली है, कड़ी पत्ता ली हूँ, ज़ीरा, राई के दाने, चिली फ्लेक्स, कटी हुई हरी धनिया और सूखी धनिया, जो खड़ा धनिया होता है वो लिया है। तो इन सबको हम वड़े में डालने वाले हैं। चल पहले तो कढ़ाई रख लीजिए, कढ़ाई में तेल डाल लीजिए, जैसे ही तेल गर्म हो जाए उसमें लहसुन और हरी मिर्ची, कड़ी पत्ता तीनों साथ में डाल दीजिए और उसको थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए। जैसे ही ये हल्का ब्राउन हो जाए इसमें हमें डालना है सूखी धनिया, ये देखिए सूखी धनिया इसमें डाल दीजिए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे राई के दाने और ज़ीरा। ये डालने के बाद थोड़ा सा हमें भूनना है, लगभग 10 से 15 सेकेंड, और उसके बाद हम इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स चिली फ्लेक्स जो है वो आसानी से फ्राई हो जाता है, अगर हम पहले साथ में डाल देंगे तो वो जल जाएंगे, इसलिए हमें लास्ट में डालना है चिली फ्लेक्स को। इसको थोड़ा सा ब्राउन करने के बाद फ्रेंड्स इसमें हम अपने बॉईल किए हुए आलू डाल देंगे, जिसको मैंने मैश कर लिया है अच्छे से। फ्रेंड्स मैंने लगभग 4 से 5 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं और उसको बॉईल करके लिया है, ठीक है। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बने इसलिए फ्रेंड्स मैंने ये जो बॉईल किया हुआ आलू वाला जो वीडियो है उसको स्किप कर दिया है, क्योंकि ये तो सबको पता होता है कि हमें आलू कैसे बॉईल करके मैश करना है, इसलिए। उसके बाद हम इसमें कटी हुई धनिया, हल्दी पाउडर और नमक डाल लेंगे और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये जो वड़ा है, वड़े का जो हमारा बेस हम ब्रेड के ऊपर लगाने वाले हैं, ये रेडी हो गया है। बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है फ्रेंड्स, और ज़्यादा पकाना नहीं है, गैस के फ्लेम को मीडियम ही रखिएगा, क्योंकि आलू ऑलरेडी उबले हुए हैं, उसमें हम बस हमें मसाले को मिक्स करना है, और जैसे ही मिक्स हो जाए गैस बंद कर दीजिए। अब फ्रेंड मैं ब्रेड का एक स्लाइस ले रही हूँ और उसके मैं इस तरह से 2 टुकड़े कर ले रही हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स मैं ये ब्रेड की एजिंग जो है वो निकाल लूँगी, बट ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो एजिंग के साथ भी वड़ा बना सकते हो, बट मैंने इसको निकाल लिया हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम रेडी कर लेते हैं वड़े का बैटर। बैटर के लिए मैं ले रही हूँ 1 बड़ा कप बेसन, और उसमें मैं डाल रही हूँ बेकिंग सोडा, ये मैंने डाला है 1.5 टीस्पून, और स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे। उसके बाद पानी डाल के इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। फ्रेंड्स पानी थोड़ा थोड़ा डालिएगा और उसको अच्छी तरह से फेंटिएगा, ये याद रखिए इसमें कोई लम्स ना रहे, और एक साथ बहुत ज़्यादा पानी भी मत डाल लीजिएगा, क्योंकि हमें जो बैटर है उसको थोड़ा थिक बनाना है, ज़्यादा पतला ना हो, ये देखिए इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल परफेक्ट बैटर रेडी हो गया है, तो अब मैं इसको साइड में रख दूँगी और चलते हैं अपना वड़ा रेडी करने के लिए। तो फ्रेंड्स मैं सबसे पहले तो ब्रेड के स्लाइसेस लूँगी, जिसको हमने पहले से ही कट करके रखा हुआ है, और उन दोनों स्लाइस के बीच में मैं चीज़ स्लाइस रखूँगी। अगर आपके पास चीज़ स्लाइस नहीं है तो जो चीज़ क्यूब होते हैं उसका भी अच्छा पतला सा लेयर कट करके चीज़ स्लाइस बना के भी हम उसके ऊपर रख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो हमने आलू की स्टफिंग बनाई थी तो उसको हम ब्रेड के ऊपर अच्छी तरह से एक लेयर देके लगा देंगे, ये देखिए बिल्कुल इस तरह से देखने में हमें बिल्कुल वड़े जैसा लगना चाहिए, इतना अच्छे से हर तरह से हर कोने से लगा दीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स लेयर बिल्कुल अच्छी तरह से लग गई है आलू की, और लग रहा है ना बिल्कुल परफेक्ट वड़ा। फ्रेंड्स इसको हम कोई भी शेप में दे सकते हैं, मैंने रेक्टेंगल शेप रखा है, आप चाहो तो सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, किसी भी शेप में ये आप वड़ा बना सकते हो। ये देखिए मैंने मेरे सारे वड़े रेडी कर लिए, अब चलिए चलते हैं इसको फ्राई करने के लिए। तो मैंने कढ़ाई में तेल अच्छा डाल दिया है फ्रेंड्स, तेल थोड़ा ज़्यादा रखिएगा ताकि जो वड़े हैं वो तेल के अंदर डिप हो सके। और उसके बाद वड़े को पहले बेसन के बैटर में डिप करिए और उसके बाद गरम गरम तेल में डाल दीजिए। फ्रेंड्स इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म ना रहे या फिर बहुत ठंडा भी ना रहे, मीडियम गर्म चाहिए, क्योंकि अगर ठंडा रहेगा तो जो बेसन और आलू है वो तेल को एब्जॉर्ब कर लेगा, और बहुत ज़्यादा गर्म हो गया तो जो बेसन हमने लगाए हैं वड़े के ऊपर वो जल्दी से लाल हो जाएगा, बट अंदर से कच्चापन रह जाएगा, इसलिए तेल मीडियम गर्म चाहिए ताकि ना तो तेल एब्जॉर्ब करे वड़ा और ना ही बेसन जल्दी से लाल हो जाए और अंदर कच्चापन रहे, ठीक है। और उसको इस तरह से चलाते हुए हमें फ्राई करना है वड़े को, चारों तरफ से देख लीजिएगा कि परफेक्ट
फ्राई हुआ है या नहीं। और ये देखिए इस तरह से वो ब्राउन हो जाएगा और उसके बाद हमें निकाल लेना है उसको तेल में से। तो इस तरह से हमें अपने सारे वड़े को फ्राई कर लेना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब रेडी है हमारे गर्मा गर्म चीज़ ब्रेड वड़ा खाने के लिए। और ये देखिए देखने में जितना ज़्यादा स्वादिष्ट दिख रहा है ये खाने में उतना ही डिलीशियस भी है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा है। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और इसके अलावा अगर आपको और भी कोई रेसिपी जाननी है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके साथ वो रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी फ्रेंड्स। तो इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए मेरा चैनल फॉलो करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।